अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, 14 अगस्त वाले दिन ग्रेटर इकबाल पार्क में जो वाकया रुनुमा हुआ है वो सब आप लोगों की नज़रों के सामने से गुजरा है। बहुत सारी वीडियो भी आप लोगों ने यूट्यूब पे देखी है, ठीक है। तो काफ़ी वीडियो मेरी नज़रों से गुजरे और काफ़ी आर्टिकल जो है मैंने देखे हैं, उसको रीड किया है और मैं एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ, ठीक है, ताकि मेरे सब्सक्राइबर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू जान सकें। अब 14 अगस्त वाले दिन जिस जगह पे ये वाकया हुआ है, नेशनल डे वाले दिन उस जगह पे, जैसा कि आप लोगों को पता, करारदार पेश हो चुकी है, ठीक है। और उस जगह पे ये वाकया नहीं होना चाहिए था। मैं ये वीडियो बनाना तो नहीं चाहता था, लेकिन ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, ये बहुत एक अफसोसनाक वाकया है जिसमें उस लड़की की गलती है या उन मर्दों की गलती है जिन्होंने उस लड़की को हरास किया, ठीक है। ये एक उन मर्दों ने जिन्होंने हरास किया, उनकी तो गलती है, इस गलती के साथ साथ एक बहुत बड़ा उन्होंने गुनाह भी किया है जो कि मैं समझता हूँ। और मैं औरतों के लिए कहना चाहूँगा, चाहे सारे मर्द जितने भी हैं पूरी कायनात के मर्द अगर अपनी नज़रें झुका भी लेना तो फिर भी औरतों को अपने पर्दे का हिसाब देना होगा। ऐसा नहीं है कि आपकी जान छूट जाएगी। और मर्दों के लिए ये है कि अगर जितनी भी औरतें अगर पर्दा कर लेती हैं ना, तो फिर भी मर्दों को अपनी नज़रों का हिसाब देना होगा। ऐसे नहीं है कि मर्दों की जान भी छूट जाएगी, हिसाब हर किसी ने अपने अपनी जगह पे देना होगा। तो इसलिए आप गौरवफिक्र करें कि आप लोग किस जगह पे जा रहे हैं। आजकल एक अजीब किस्म का ट्रेंड चल गया है, टिकटॉक हो या स्नैक वीडियो, जितने भी शॉर्ट वीडियो आ रही हैं, बहुत सारी लड़कियाँ पहले हिजाब में आती हैं, अपने कुछ उनके कुछ व्यूज़ होते हैं, कुछ लाखों में जाते हैं, जब मिलियन में व्यूज़ जाते हैं, फिर जो उन्होंने पर्दा किया होता है, जो हिजाब किया होता है चेहरे का, वो उतार के फेंक देती हैं। किस वजह से? जी उनको पैसे आ रहे हैं, इनकम आ रही है, डॉलर्स में अर्निंग करने लग पड़ी हैं, इस वजह से वो पर्दे को भी कोई अहमियत नहीं देती है। जो चमकती चीज़ उनको नजर आती है, पैसा पैसा दौलत वेल्थ वेल्थ, उसके आगे वो ना अपने पर्दे को भी अहमियत नहीं देती। उसको अपने कैसे रोकना है, अगर इसके ऊपर हम बात करें तो सबसे पहले आप उन जगहों पे जहाँ पब्लिक प्लेस है या ऐसी जगह पे जैसे ग्रेटर इकबाल पार्क है, ऐसी जगह पे आप एंट्रेंस पे कैमरा लगाएं, सीसीटीवी कैमरा हो, बायोमेट्रिक सिस्टम हो, विदाउट बायोमेट्रिक किसी को भी ना जाने दिया जाए, और NIC आईडी कार्ड के जरिए जो है उसकी वेरिफिकेशन की जाए, उसके बाद जो है उस बंदे को जाने दिया जाए, ठीक है। उसके बाद अगर कोई ऐसा वाकया अल्लाह ना करे दोबारा रोनुमा होता है तो इजीली बंदा जो है ट्रेस किया जा सकता है। पुलिस ने जो है 700 अफराद जो कहा गया है, जियो फिंसिंग के जरिए, कैसा तरीकाकार है जिसके जरिए पुलिस ने जो है ना इन्वेस्टिगेट किया, जियो फिंसिंग के जरिए, ठीक है। तो जियो फिंसिंग क्या है मैं आप लोगों को बताता हूँ। जियो फिंसिंग एक ऐसा मेथड है जिसमें एक आप एक जगह को या एक सराउंडेड को एक आप ब्रैकेट में उसको एक आप मार्क कर देते हैं, उस हदूद के ना जितने भी ऑडियंस होते हैं, जितने भी लोग होते हैं, उनके एक मोबाइल के ऊपर जो है ना पूरा जो है चेक एंड बैलेंस किया जाता है, उतने टाइम से लेके उतने टाइम तक, ठीक है। मसलन अगर ये वाकया 6:30 बजे रात को हुआ है तो 6:30 से लेके 8 बजे के दरमियान तक के जितने भी वहाँ के ऑडियंस होगी उनका सारा डाटा जो है जियो फिंसिंग के जरिए जो है मंजर आम पे आया जाएगा, नादरा के जरिए जो है इन्वेस्टिगेट किया जाएगा, पता चलेगा कितने लोग इसमें मुरविस हैं, ठीक है। तो जियो फिंसिंग के जरिए 28,000 लोग जो है ना उस टाइम उस जगह पे थे, 28,000 लोगों का जो कार का जो फोन डाटा जो है वो उनको जो है कवरेज की गई है, रिकॉर्ड में रखा गया है, और उनमें से काफी लोगों को जो है इंटेरोगेट किया गया, जिसमें से 730 अफराद जो थे वो मशकूक थे, जिसमें से 430 की जो है इन्वेस्टिगेशन चल रही है, ठीक है। और 430 में से 130 अफराद को जो है ना उनको गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है मजीद इंटरोगेट करने के लिए। जियो फिंसिंग अगर हम बीच में से निकाल दें, अगर मैनुअल जिस तरीके से पुलिस अगर इन्वेस्टिगेट करती है, ये एक बहुत ही लेंथी प्रोसीजर है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा लेंथी। आप मैनुअल आप किस किस को आप जाके अरेस्ट करेंगे, किस किस को जाके आप, क्योंकि इसमें आपको नादरा की हेल्प भी चाहिए, जियो फिंसिंग आपने अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, ठीक है। इसमें आपको एजेंसियों की मदद भी मिल जाती है, जियो फिंसिंग जो है ना ज़्यादातर जो है जियो फिंसिंग को जो एजेंसी है वो यूज़ करती हैं अपने टारगेट को जो है वो अचीव करने के लिए। तो जितनी भी आपकी मोबाइल्स की कंपनी है वो सब इस चीज़ के मातहत है कि जब भी जियो फिंसिंग के जरिए जब वो डाटा मांगेंगे उनको जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा डिपार्टमेंट को, अदारों को अपना सारा डाटा फैक्ट एंड फिगर उनको बतानी पड़ेगी। तो खुदारा वीकेंड डे पे फैमिली लॉ करे, फैमिली के बगैर विदाउट फैमिली कोई बंदे भी एंट्रेंस ना किसी के भी एंट्रेंस ना कीजिए, और एंट्रेंस पे और एग्जिट पे बायोमेट्रिक लाजमी होना चाहिए और सीसीटीवी कैमरे की कवरेज भी होनी चाहिए। इजीली जो है अगर ऐसा क्रिमिनल की बंदा इस एक्टिविटी में मुलविस होता है वो इजीली जो है ट्रेस किया जा सकता है, उसको कैफे कटदा तक पहुंचाया जा सकता है। तो नौजवान यूथ है, मैंने यूनिवर्सिटी का माहौल भी देखा है, यूनिवर्सिटी में क्या है, कॉलेजों में क्या हो रहा है, मुझे सारा पता है यूनिवर्सिटीज में क्या है, सब कुछ मैं जानता हूँ, इच्ची बिच्ची सब जानता हूँ मैं, ठीक है। और आपको मैं बताऊँ, वो लड़कियाँ जो गैर महरम के साथ जाके टिकटॉक स्नैक वीडियो बनाती हैं और
वो ये कहते हैं कि हमारी इज्जत महफूज है, आपका इज्जत, आपका जो सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है, आपकी जो प्रोटेक्शन करने वाले जो मेल हजरात हैं, मर्द हजरात हैं, वो आपका भाई, आपका बाप, आपका बेटा, आपका खामन, इन चार बंदों के अलावा कोई चौथा पांचवा छठा बंदा नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, नहीं हो सकता। बाहर जाना है, आउटसाइड जाना है, कोशिश करें अपने खामन भाई या बाप के साथ जाएं या अपने बेटे के साथ जाएं, ठीक है, जो आपके एज लाइक आपके वहां सिक्योरिटी गार्ड है, आपको प्रोटेक्शन देंगे। बाकी तीसरा चौथा पांचवा बंदा चाहे वो कोई भी है, टिकटॉक भी आपके साथ कोई टिकटॉक का स्टार है या जिसके आप कोलैबोरेशन कर रहे हैं, आप मत समझे कि वो आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा, कभी भी नहीं करेगा। कोई तो देख रहा था ना, अगर वहां पे इतने लोग हैं, इतने ज्यादा लोग हैं, अगर वो सब के सब बगैरत बन चुके हुए थे, जो जिन लोगों ने बगैरती दिखाई है वो ये चीज सोचे थे कि मुहर्रम का महीना है, मुहर्रम के तकद्दस का ख्याल कर लेते तुम लोग, लेकिन जब जमीर मर जाता है ना, फिर इस तरह की दरिंदगी जो है इंसान के अंदर आती है। जब तक वो इंसान है ठीक है, लेकिन जब वो ईमान बनता है तो वो दो टांगों वाला जानवर बन जाता है। और जिन लोगों ने वहां पे अपनी बगैरती दिखाई है ना, वो उस टाइम इंसान नहीं थे, वो सब के सब जितने भी थे हैवान थे, जानवर थे, दरिंदगी उनके अंदर आ चुकी हुई थी, तो उनको हम लोग इंसान नहीं कह सकते। तो अगर आप लोगों में इतनी सेंस होती या थोड़ा सा भी अगर आप लोगों के अंदर कोई खौफे खुदा होता, तो आप लोग ये सोचते कि अल्लाह तो देख रहे हैं ना, ये जो दो फरिश्ते बैठे हुए हैं, नामो अमाल जो लिख रहे हैं, ये तो देख रहे हैं ना आप लोगों को। तो अल्लाह ताला सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और सबको चाहिए कि अपनी इसलाह करें। और मैं उन लड़कियों को भी कहूँगा जो टिकटॉक पे या जो स्नैक वीडियो पे आती हैं, दरअसल वीडियो बनाती हैं फ़ाहिश किस्म की, डांस वगैरह शॉर्ट क्लिप बना के पता नहीं क्या क्या वो लोग भी अपलोड करती हैं, तो आप लोगों को सोचना चाहिए सबसे पहले आप लोग की बींग मुस्लिम की, आप लोग क्या रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप लोग अपना क्या चेहरा दिखा रहे हो दुनिया को, ठीक है। आप लोगों को सिर्फ एक जगह से नहीं देखा जा रहा होता, आप लोगों को पूरी दुनिया देख रही होती है, ठीक है, जिसमें नॉन मुस्लिम भी बैठे देख रहे होते हैं कि मुसलमान क्या कर रहा है। तो वो तो चाहते हैं कि आपका फैमिली सिस्टम तबाह बर्बाद हो, आपकी जितनी भी नौजवान लड़कियां जो एक घरेलू लड़कियां थी, जो आज जो घरेलू लड़कियां वो उठ के जो है वो बाजारों में आए, वो उठ के मैं वो अल्फाज तो नहीं इस्तेमाल करना चाहता, लेकिन आप लोग समझ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अपने इज्जतों की हिफाजत करें, तो खुदारा पर्दा 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 करती रहें, अगर पर्दा करेंगे तो बच जाएंगे, अगर पर्दा नहीं करेंगे तो तबाही बर्बादी के अलावा कुछ भी नहीं आपको मिलेगा, कुछ भी नहीं आपको मिलेगा। बहुत सारी औरतें जो लिबरल माइंडेड टाइप है, ओपन माइंडेड है, जिनका दिमाग जो है ना ओपन माइंडेड है, वो चाहती तो है कि सारे मामला जो है वो मगरिब वाले हों, याशी ईरानी आज़ादी इंडिपेंडेंस सब कुछ उनको जो है मगरिब वाला मिले, लेकिन कानून जो है कानून मशरिक का चाहिए उनको, कानून मशरिक का चाहिए, लेकिन आज़ादी वही चाहिए जो मगरिब में है। अगर आपको कानून मशरिक का चाहिए ना, फिर आपको उसी तरह उनका ही पाबंद होना पड़ेगा, मशरकी रवायात इस्लामी कल्चर आपको इस चीज़ों का पाबंद रहना पड़ेगा। मगरिब का मामला नहीं चलेंगे, मगरिब का मगरिब को छोड़ दें, वो दुनिया के दूसरे कोने में है, ठीक है, वो समुद्र के दूसरे पार है, मगरिब नहीं चाहिए, मशरिक चाहिए, इस्लामी कवानीन चाहिए, इस्लामी रवायात चाहिए। इस पे चलेंगे तो दुनिया में भी खैर है, आखिरत में भी खैर है आप लोगों के लिए, आप लोगों के लिए, आप लोगों की नस्लों के लिए, आप लोगों के बच्चों के लिए जिनकी आप लोगों ने तरबियत करनी है। आज आप लोगों का ये हार है, वो टिकटॉक स्नैक वीडियो में आगे आप लोग डांस करते हैं, तरह तरह की एक गैर खरा की हरकत करके शॉर्ट वीडियो 15 सेकंड की 30 सेकंड की वीडियो बना के अपलोड करते हैं लोगों का दिल जीतने के लिए। आप क्या समझती हैं कि आप अपने बच्चों को सलाउद्दीन अयूबी मोहम्मद बिन कासिम जैसा पन बनाएंगी? आप समझती हैं कि आपके जो गोक से जो बच्चा पैदा होगा वो सलाउद्दीन अयूबी बनेगा, मोहम्मद बिन कासिम बनेगा? कभी भी नहीं हो सकता, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि आपके आपकी नस्ल में से कोई ऐसा बच्चा निकले जो कुछ बने। अल्लाह ताला सबको हदायत दे, शरी काम करते हैं जो गैर खरा की हरकत करते हैं सबको अल्लाह ताला हदायत दे। ये चीजें आगे जाके आप लोगों को अपने बच्चों से अपनी नस्लों के नसरों से देखनी पड़ेंगी, और उस टाइम आपको पछतावा होगा कि हम लोगों ने क्या गलती की है, क्या किया हम लोगों ने, किस गुनाह की सजा मिल रही है। लेकिन आप लोगों को नहीं पता होगा कि जो गुनाह, जो गलती, जो हरकत आपने ऐसे 20-30 साल पहले की थी, ये उन चीजों की सजा आपको मिलती है। तो जब बंदा अपना गिरोह बना से झांकता है ना, उस टाइम समझ आता है कि आप लोगों ने माजी में क्या किया था। तो आई होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, तो इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।